पापा आपके वॉलेट में 700 रुपए है ना, तो फिर आप महिंद्रा थार क्यों नहीं खरीद लेते। गाइस इन दिनों सोशल मीडिया पर एक छोटे से बच्चे का ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है और उसपे उद्योगपति आनंद महिंद्रा का रिप्लाई भी काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में चीकू यादव नाम का एक छोटा सा मासूम सा बच्चा अपने पापा से ये कहता है कि महिंद्रा थार को हम SUV 700 कहते हैं, तो फिर आपके वॉलेट में 700 रुपए तो होंगे, ये 700 रुपए पेटीएम कर दीजिए और थार खरीद लीजिए। उस बच्चे के पापा उसे समझाते हैं कि SUV 700 और थार अलग अलग कार है, उसकी कीमत 700 रुपए नहीं है, लेकिन बच्चा मानता ही नहीं है। उसे लगा महिंद्रा कार का मॉडल नंबर SUV 700 है तो गाड़ी 700 रुपए में मिल जाती होगी। जब ये वीडियो वायरल हुआ और आनंद महिंद्रा तक पहुंचा तो उन्होंने भी इस पे रिएक्ट करते हुए कहा कि इस छोटे से बच्चे चीकू से मुझे भी प्यार हो गया, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि अगर मैंने 700 रुपए में थार दे दी तो मैं दिवालिया हो जाऊंगा। गाइस आपको आनंद महिंद्रा का ये मजेदार रिप्लाई कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपके खड़े होने की स्टाइल क्या है, ऐसे ऐसे या फिर ऐसे? आपके खड़े होने की जो भी स्टाइल है, मैं यहाँ पर बैठे बैठे आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ उसे देखकर, जो आपको बहुत काम आएगा। देखिए अगर आप पैरों को थोड़ा अलग अलग करके खड़े रहते हैं तो ये आपकी कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी के बारे में दर्शाता है। आप निर्णय लेने में सहज है और नीडर भावना के साथ चुनौतियों का सामना करते हैं। आप एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस क्रिएट करते हैं और किसी न किसी गोल के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। साथ ही आप दूसरों को आसानी से मित्र बनाते हैं। अगर आप एक पैर आगे करके खड़े होते हैं तो ये आपके साहसी व्यक्तित्व को बताता है। आप हर वक्त नए अनुभव लेना चाहते हैं और डर का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। साथ ही यात्रा करना आपको पसंद है और आप दिल से आशावादी इंसान हैं। अगर आप पैरों को क्रॉस करके खड़े होते हो तो ये आपकी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी को दर्शाता है। आप कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचते हैं और हर चीज को गहराई से समझते हैं। आप खुद आत्मनिर्भर हैं, साथ ही अपने निर्णयों में आश्वस्त हैं और अपना रास्ता बनाने से नहीं डरते। गाइस आप इसे कितने लोगों ने इस पर्सनैलिटी टेस्ट के रिलेट किया है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। आखिर नितिन गडकरी जी ड्राइवरलेस कारों का इतना विरोध क्यों करते, क्या वो ये नहीं चाहते कि भारत में मॉडर्न कार्स की एंट्री हो? देखिए ड्राइवरलेस कार स्पेशली छोटे देशों के लिए फायदेमंद साबित होती है, लेकिन दुनिया की सबसे घनी आबादी वाले देश यानी कि भारत में ड्राइवरलेस कार का भविष्य भी बहुत दूर। नितिन गडकरी जी का ये कहना है कि अगर भारत में ड्राइवरलेस कार्स आई तो इससे भारत में 80 लाख ड्राइवरों की नौकरियां चली जाएंगी, और अगर आप ड्राइवरलेस कार लाएंगे तो ये लोगों की नौकरियां जाएगी, जिससे बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ सकती है। यही नहीं, ड्राइवरलेस कार्स जितनी ज्यादा फायदेमंद है उतनी ज्यादा नुकसानदायक भी हो सकती है। भले ही ड्राइवरलेस कार टेक्नोलॉजी की मदद से एक्सीडेंट्स को रोक सकती है, लेकिन अगर कार में मौजूद सॉफ्टवेयर हैक हो गया या फिर कोई सिक्योरिटी ग्लिच आ गया तो वो जानलेवा भी साबित हो सकती है। साथ ही भारत में ज्यादातर सड़कों पर भीड़ भाड़ रहती है, जानवर आते जाते रहते हैं, जिसकी वजह से ड्राइवरलेस कार्स के एल्गोरिदम में भी मुश्किलें आ सकती है। यही वजह है कि नितिन गडकरी जी ड्राइवरलेस कार्स का इतना विरोध। आपको क्या लगता है कि क्या ये विरोध सही है या गलत, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साल 1955 में राज कपूर की एक फिल्म आई थी श्री 420। उन्होंने इस फिल्म के नाम में 420 इसीलिए लगाया था क्योंकि कल से पहले तक ठगी करने वालों पर IPC की धारा 420 लगाई जाती थी, इसलिए 420 नंबर इतना बदनाम हो गया था। तब राज कपूर ने ये नहीं सोचा होगा कि कभी भारत में धारा तो छोड़ो पूरा का पूरा कानून ही बदल जाएगा, लेकिन मोदी और शाह की जोड़ी ने इंडियन पीनल कोड 1860 की बजाय भारतीय न्याय संहिता 2023 लाके पूरा गेम ही बदल दिया, जिसकी वजह से अब 420 नंबर फ्रॉड और ठगी के लिए इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि अब ये धारा बदलकर 316 कर दी गई है। इसके साथ ही अब तारीख पे तारीख का इंतजार भी खत्म हो जाएगा क्योंकि इस नई न्याय संहिता में पुलिस को 90 दिनों के अंदर जांच और चार्ज शीट दायर करके फैसला सुनाना होगा, जिसकी वजह से आम आदमी को न्याय के लिए सालों तक चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। इसके अलावा महिलाओं पर अत्याचार के लिए धारा 376 की जगह पर अब धारा 63 और 64 और नाबालिग लड़कियों से रेप के लिए आजीवन कारावास या फिर फांसी की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। यही नहीं, देश विरोधी गतिविधियां करने वालों पर धारा 121A की जगह पर धारा 140 लगाई जाएगी।